कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये दर्द छलक गया और शायरी सुनाकर अपने दर्द का बयां किया कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास ने। जी हाँ, जब पत्रकारों ने उनको विधानसभा में घेरा और पूछा, क्या आप भी जा रही हैं मैडम? ताकि मैं तो नहीं जा रही हूं, लेकिन जिस लोकतंत्र के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए तमाम पार्टी के बड़े नेताओं को, अपने एमएलए को तो इज्जत देनी ही पड़ेगी। पत्रकारों ने फिर सवाल दाग दिए, तो क्या आपको इज्जत नहीं मिलती है? उन्होंने कहा कि मेरी बात छोड़िए, लेकिन इज्जत देनी चाहिए। और तभी उनका ये शायराना अंदाज दिखाई दिया, जिसे हम आपको दिखवाते हैं। हॉल चला हुआ है, बीजेपी तो निश्चित रूप से डरा रही है, लेकिन आपने देखा होगा फ्लोर टेस्ट में बीजेपी और जदयू के भी एमएलए ना खुश थे। जो अपने पार्टी से नाराज थे वो क्रॉस वोटिंग करते यदि वोटिंग होती तो लोकतंत्र खतरे में है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जिस देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने शहादतें दी हैं, पार्टियों को चाहिए कि अपने एमएलए का मान सम्मान दे और उनकी बातों को सुने। क्या आपकी पार्टी में मान सम्मान मिल रहा था तमाम लोगों को? अब तो ये जो गए हैं वो बताएंगे ना, ये तो हम नहीं जानते, तो हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो कहीं ना कहीं कुछ तो मजबूरियां होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और जब इसी पर हमारी मुलाकात हो गई कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश सिंह से, तो उन्होंने कहा कि जाने वाले को जाने दीजिए, उनकी सदस्यता ऐसे ही खत्म हो गई, वो न घर के रहे न घाट के। जरा अखिलेश सिंह को भी सुनवा दें। मिल रही है, क्या कार्रवाई करेंगे सर? अगला स्टेप क्या होगा? अगला आप देखिएगा, वो भी पता करते हैं। दो विधायक आपके चले गए, अरे सबका हिसाब हो जाएगा यार, काहे चिंता सर? क्या ये स्पीकर को चिट्ठी लिखेंगे सदस्यता रद्द करने के लिए? सबका ऑटोमेटिक रद्द होगा सदस्यता। जाने वाले को जाने दीजिए, उनकी सदस्यता तो अपने आप खत्म हो गई, अब वो न घर के रहे न घाट के। लेकिन अब देखना होगा कि जाने वाले जो गए हैं वो अपने साथ कितनी बड़ी आंधी लेके आएंगे, अभी कितना बड़े आंधी तूफान मचाएंगे, ये भी देखने की बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ।